ताली को जावा ना का ताली कम नहीं जावा ना डेटा तो थोड़ा सा पीछे हो जावे ना बोलो वीडियो चाहिए तो मैं दे दूँ ठीक है बढ़िया वाला पानी लगा कौन दे बोला थोड़ा सा चखवा दे इधर देखो ना हो गया बेटा अटके मरी पे ना अटके मरी पे ये साइड मत आवे देखा थे
ऐसा कौन सा परिस्थिति आ गया कि आपको हॉस्पिटल में शादी करना पड़ा? चूंकि आज तक फिल्मों में देखा है, आज हकीकत में देखने को मिला, क्या समस्या रही आप लोग को? हम लोग का शादी फिक्स हो गया था 18 अप्रैल को, जिसमें हम लोग रिश्तेदार वगैरह में सभी को भेज चुके थे। हम लोगों का परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि दूसरी बार इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम लोग को जितना समझ में आया हॉस्पिटल में करने का इच्छा हुआ, नहीं करने का। सब में चली बाहर। यहाँ किस तरह की शादी हॉस्पिटल में आज तय समय के अनुसार हुआ है और लगभग सभी रिश्तेदार शामिल हुए, किस तरह की समस्याएं थी और आज शादी कहाँ पर हुई है? आज जो शादी जो हो रही है, एक ऐसी मुकाम में दो परिवार जो है आ खड़ी हुई थी, वो खड़ी हुई दुल्हन की जो है लीवर में इन्फेक्शन, और लीवर इन्फेक्शन होने के कारण जो कई दिनों से वो जो है श्री साई नर्सिंग होम में पड़ी हुई है। उनके इलाज यहाँ के डॉक्टरों ने बेहतर ढंग से, कल एक मरीज की अस्पताल परिसर में शादी हुई, किस तरह की समस्या के लिए यहाँ भर्ती थी और क्या क्या समस्या थी और उनकी शादी के लिए किस तरह की आप लोग को हिदायत दी गई थी? मरीज जो है बलौदा ब्लॉक की रहने वाली है, लड़की 20-21 साल की लड़की है, वो पेट दर्द से काफ़ी परेशान थी। जब हमारे हॉस्पिटल आया गया, हम जांच किए, सोनोग्राफी कराया गया, सोनोग्राफी में पता चला कि बड़ी आँख में उसकी छेद है। मरीज के परिजन से बताया गया कि उनको बड़ी आँख में छेद है और डॉक्टर ने हमारे यहाँ जो डॉक्टर ने बताया कि उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। समस्या ये थी कि लड़की की शादी 20 तारीख को तय की गई थी, मेहनत देखते हुए जो है उनके घर वाले जो है, और शादी भी करना जरूरी था, ऑपरेशन भी करना जरूरी था, दोनों को साथ में लेते हुए जो है कल के डेट में उसके शादी पूरे परिजन पूरे बराती के साथ जो है हॉस्पिटल परिसर आए, और लड़की जो है अच्छा स्वस्थ हो गई है और 20 तारीख के डेट में उनकी जो है शादी की गई, जिसमें हॉस्पिटल प्रबंधक, उनके परिजन सभी का सहयोग रहा।